हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक साधु की हसीये से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गांव के ही एक मानसिक विक्षिप्त युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान विशाल पुत्र राम वृक्ष निवासी परमेश्वरपुर थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त प्रतिदिन साधु से मिलने उसकी कुटिया पर जाया करता था, इसी दौरान वो साधु की हत्या कर दिया। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हरपुर बुधहट थाना अध्यक्ष प्रवेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक प्रहलाद गौड़, कांस्टेबल सुनील यादव, आनंद सिंह और गिरीश चंद्र चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कल एक हरपुर बुधहट थाने में कल एक घटना हुई थी। मर्डर हुआ था एक वृद्ध ललई का, उनका उसी संबंध में यहाँ पे अपराध पंजीकृत किया गया था 481/20, और उसमें फिर देखा गया कि कई लोगों पे सस्पेक्टेड था कि यह क्योंकि अज्ञात था मामला, तो एक गांव का ही लड़का है जिससे कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, उसको पकड़ा गया और उससे काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई और उनके घर वालों से पूछताछ की गई। तो उसमें घर वालों ने ये बताया कि रात में लड़का गायब हो गया था और सुबह आया है, उसे शंका के आधार पर उसको उठाया गया, उससे पूछताछ की गई और वो स्पष्ट हुआ कि वो लड़का जो है विशाल नाम का है, जो उसी गांव का परमेश्वरपुर का रहने वाला है, वो उसको घटना किया है। उसे इसके बैक में ये है कि इसका एक मस्तिष्क ज्वर बहुत पहले हुआ था, 10-12 साल पहले, तो मस्तिष्क ज्वर के कारण ये ऐसे बीच बीच में झटका आता है और ये कोई भी काम कर देता है गलत सलत, इसे फिर भूल जाता है, इस तरह की इसकी आदत है। इस पर ये जो अभी हत्या हुई है उनसे कुछ विवाद हुआ था, उनके यहाँ इसने इस हसीये से और लाठी से पीट के, इस कोई पुरानी रंजिश नहीं है, बस ये छोटा मोटा ऐसा कहा सुनने की बात है, और कोई पुरानी नहीं, और कोई अभी